रुको फोटो देख रहा है ना, इसे कहीं देखा है क्या? नहीं देखा, निकलो चलो। ए रुको, चल रे। ये तलवार कौन लेके जाएगा रे? तेरा बाप लेके जाएगा। चलो निकलो, मारो। साले तू मेरे कितना परेशान कर रखा है, मेरे पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा नाम भी खान है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ के निकालूंगा। चल साले। मुझे एक ही नहीं हो रहा कि तुम इतना अच्छा काम कर सकते हो। क्या बोलूं मेरी जान, आदत से मजबूर हूँ। कोई है क्या? कौन है? ए, कोई है गैरेज में? है? पुलिस? पुलिस? लेकिन मैं तो पुलिस को खबरने की है। अरे ये तो ऐसे ही आते हैं चंदा मांगने के लिए, हफ्ता मांगने के लिए, तो फिक्र मत करो, मैं भी आता हूँ। ये क्या कर रहे हो? अरे सुनो। सलाम साहब, सलाम। इसे अरे अरे नहीं पहचानता हूँ साहब, नहीं देखा आज तक, नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं नहीं, ठीक है। अगर कहीं देखा काले पत्थर पुलिस स्टेशन खबर कर देता हूँ साहब। काफी समझदार है, जो काम बीच में छोड़ के आया ना। जा। ओके साहब, सलाम साहब। अच्छा महिला, इसको कैसे मालूम चला कि पैसा हमारे पास है? जब देखो तो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, सवेरे सवेरे मुंह काला कर दिया। डार्लिंग दो मिनट में आ गए, मुंह धोके ले। Hyundai Motors National Painting Competition 2007 and the award goes to Mr. Hussain. गोदाम है घर, जल्दी झूले तो बैग मिल जाता। अबा जितना टाइम अपन बैग ढूंढने में लगा रहे ना, इतना टाइम अगर इंडिया गरीबी हटाने में लगाता ना, तो आज अपन दोनों के दोनों चोर नहीं रहते थे, समझा? अब सुकुंदी करा हुई हाथ निकाल पीछे से, जब देखो हल्लाख में उंगलियां करते रहता, फिर ये इफ्लास हरकतों की वजह से आज इस मुश्किल में आके फंसे हुए अपन। चलो खाना ले लो, खाना। चिच्चा ये अकबर बीरबल दिखने में कैसे है? तुम दोनों ही तो है। क्या तो भी बदकमा है रे, चार लोग एक सूरत के कैसा हो सकते? क्या हुआ, मिल गया? मिल गया नहीं, मिली। क्या तो भी मिली रे, ये तो अपन लोग ही थे ना रे। मगर मैं मर गया अभी तो ऐसा दक्षिणानु हेयर स्टाइल नहीं रखता हूँ, फिर अपन कब खींचा रजिया पर बच्चों के साथ फोटो? फिल्मी फंडा दिख रहा है मेरे को, फिल्मों में डबल एडिटिंग होती। देखो फिल्मों में भी एक सूरत के दो आदमिया रहते, मगर दो सूरत के चार आदमिया कैसा रहते रे? क्या है कि उस्ताद, जब से कंप्यूटर का जमाना आया मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ये अजब कंप्यूटर का गजब तमाशा दिख रहा। क्या है कि छोड़, कोई तो भी आ जाएंगे, टाइम नहीं है अपने पास, चल बैग ढूंढ के चल। फोटो देखे जब से दिमाग काम नहीं कर रहा, मोटा सेम मेरे सर का है और उस्ताद भी, समझ में नहीं आ रहा। देख क्या हो रहे हो दोनों चोरों को। आपके शहर की मेहमान नवाजी की तारीफ सुना था, मगर आपकी मेहमान नवाजी जेल से बदतर है। मेहमान नवाजी सिर्फ मेहमानों के साथ होती है, तुम जैसे चोरों के साथ नहीं। क्या चोर चोर की रट लगाए साहब, जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी। अरे मेरे बीवी बच्चे मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम मैं दुबई पहुंचा या नहीं पहुंचा। मेहरबानी करो साहब, छोड़ दो हमारे को। अगर तेरे घर में शेरवानी है तो घर को फोन करके शेरवानी मंगा और तुम लोग दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। साहब हम गाँव के मेहनत कश लोग हैं साहब, शेरवानी क्या, हम किसी की चड्डी भी नहीं चुराते साहब, मगर आप इंसान नहीं हैवान है साहब, और हमारी आजादी छीन लिया। अगर आप ज्यादा बोला
तो तेरी जबान खींच लूंगा। अरे और कर भी कह सकते हैं। रुको भैया, भैया रुको, मेरे सलीम को छोड़ दो, ये मेरे सलीम है, मेरे सलीम को छोड़ दो, मेरे सलीम को छोड़ दो भैया, छोड़ दो इन्हें, क्या कर रहे हो मेरे सलीम के साथ, ये मेरे सलीम है भैया, इनको छोड़ दो भैया। क्या उस्ताद बैग नहीं मिल रहा? और क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी। आए अब कौन है बे? पहलान, मैं खालिद खान बोल रहा हूँ। हाँ खान साहब बोलो। 25 पेटी अभी तक नहीं मिले मेरे को। अरे अभी परसों तो भेजा ना। वो ही पैसा नहीं मिला। क्या बात कर रहे खान साहब, एक मिनट। अरे मेरे कैको मारे खान साहब, एक कैको मारे। अरे सरकारी सांड, वो 25 लाख किसको देके आ रहे? तेरे बावा को। अरे खालिद को, आप बोले ना चार नेले बार कस। अबे उन्होंने तो बोल रहा नहीं मिला बोल के। हाँ साले को हाथ में देके आ रहा हूँ, ऐसा कैसा बोलता, चलो उसके घर को, आपने से उशारी। हाँ हाँ खान साहब, मैं अभी आ रहा ना। आ जाओ पहलवान आ जाओ, मैं घर पे ही छू। अरे तुम्हारे माँ के हराम के पोटे कैसा पैदा करके छोड़ दिए देखो, दलिंदर औलादा। अब्बा जान चीख लेंगे, वक्त ना सखत बुड्ढा चढ़ा तखत। अरे क्या है भाई, 5 साल के बाद दुबई से आया हूँ, जरा समझो शन्नू, जरा करीब आओ भाई। छोड़ो भी अब। हेलो 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 हेलो, कौन है कि क्या है कि भाई, आइन टाइम पे मूड खराब कर दे रहा है। बाहर से आए जब से कमरे में से बाहर निकल रहा है नहीं, क्या क्या कर ले रहा है, क्या है कि सब काम मेरे को करना पड़ता। अब्बा जान बुला रहे थे वहाँ। अरे बाजान पुकारते रहते भाई, सब देख लेते। तुम जरा करीब आओ भाई, ये इस आज है तुम्हारा क्या? चेहरा तो बदलिया छठे सो चांद नजर आ रहा है, सच्ची बोल रहा हूँ। हटो जी। अरे तुम्हारे माँ के हराम के पोटे मारूं, तुम लोगों को मेरा ही घर मिला रे, हमको ही क्यों सताते रे तुम लोग। हाँ अरे तुम लोग इंसान की औलाद है रे, हैवान की औलाद है, एक बार घटना रे मेरे हाथ को। अब और क्या समझना है भाई, ठहरो। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन तो भी है, जरा बात तो कर। क्या बाबा टेलीफोन डिपार्टमेंट में है रे, बात बात को फोन कर रहा है। तू 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 कौन तो भी है जी ये? मेरे को क्या मालूम? अरे मेरी आवाज सुन रहा है फोन रख दे रहा है, आवाज सुन रहा है फोन रख दे रहा है, तुम्हारा कुछ चक्कर दिख रहा है मेरे को। आज नहीं छोड़ूंगा रे तुम लोगों को, टांग पे टांग रख के चीर डालता हूं। देखो देखो फिर बज रहा, देखो फिर बज रहा, देखो। अम्मा काय को? तू मेरे को कौन से बंगले पे लाया रे, कुत्ता इंसानों की जैसे संगाली दे रहा। हेलो हेलो, अरे बात कर रे, अरे बात कर, अरे फोन नहीं रखना रे, देख अरे कौन है रे, अरे बात कर रे, कट कर दिया। मैं समझ रहा हूँ कुछ तो भी चक्कर है बोल के तुम्हारा। अरे अरे क्या है भाई, उधर बाजान इधर जोरू, दोनों मिलकर जीना हराम कर दिए। ठहरो अब भी आके बता दूं तुम्हारे को। ए तेरे को चीर के काट के फाड़ के पका को सीख कबाब बना लेता, तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेले में डालता रे। पहलवान 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 पहलवान, जब से पोटे बाबा को बहुत परेशान कर रहे थे पहलवान, पोटे है समझ के गालियां दे लेते आए। ये इनको मैं पोटे दिखता क्या? रे मुर्दा कड़े ऐसा कई को कर रहा रे। अरे पहलवान पहलवान पहलवान, बड़े बुजुर्ग आदमी है,
ये बुजुर्ग है? अरे एक बुजुर्ग ने देश आजाद कराया, एक बुजुर्ग घर में बैठ के गालियां दे रखा, क्या इंसान है यार? पहलवान जरा गुस्से में नको, पहलवान बाजान जरा खामोश बैठो भाई, पहलवान है इनो। पहलवान मैं अभी इनको ले जाके अंदर बंद करके आता हूँ, मेरा मतलब है अंदर छोड़ के आता हूँ, चलो बाजान। क्या बाप बेटा में प्यार रे, ए मोटे सरकारी से चल रहे मेरे साथ। हाँ खान साहब बोलिए। अब और क्या बोलना है पहलवान? पैसे? ए मुरमुरे के थैले, तू परसों इसको ही दिया ना रे पैसे? आइयो नहीं पहलवान। फिर किसको दिया? ये घर में से और एक खालिद निकला था, जवान गोरा बगर मुछे वाला चिकना लौंडा था। ओफो, इतना बड़ा धोखा, मेरा शक सही निकला, तेरा किसी के साथ चक्कर है। मैं बाहर गया तो तू वो पोट्टे के साथ घर में गुलछर्रे उड़ा रही है। मेरे भी शक कर रही तू? देखो मैं पहले ही बोल डाल रही हूँ अच्छा नहीं होगा। तुम आने के बाद मैं गई क्या बाहर? बाहर अकेले रह रहे के तुम्हारे दिमाग में शैतान घुस गया। अरे शैतान तो मेरे घर में घुस गया ये औरत की शक्ल में। अरे जब से तुम्हारे से शादी हुई जिंदगी हराम हो गई मेरी। तू 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 अपने ऊपर थूक लो, मेरे पे कई को थूक रहे? अरे चार दिन ठहरो, महल्ले वाले हम दोनों पे थूकेंगे, ये गुलछर्रे की कहानी बाहर निकली तो। ओफो मेरे माल पे दीदे लाल, अब दिखना वो लौंडा, काट के टुकड़े कर डालता हूँ। खान साहब, खान साहब। पहलवान जरा खामोश बैठो, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में नको बोलो, जाओ यहाँ से चलो जाओ। ये सरकारी सांड सब तेरी वजह से गलाटा हुआ रे, उधर सनम बेवफा, इधर मेरा रास्ता सफा, इस पहले के वो पहलवान होता खफा, हम दोनों हो जाते दफा, चल रहा अल्लाह का नाम लेके। सही बोले बड़े लोगा, खूबसूरत औरत मर्द का जीना हराम कर देती। वो सब शादी से पहले सोचना नहीं था, मेरे किरदार पे शक कर रहे तो। मैं आज ही हमारे अम्मा बाबा के पास चल जाती हूँ। मैं अब भी चले जाओ, मगर जेवर उतार के जाओ तुम। काई को जाती हूँ मैं? नहीं जाते, अब भी चले जाना तुम। ये कहाँ से लाए थे? तुम्हारे अम्मा बाबा कपड़ा जेवर दिए थे, ये उतार के रख देना और घर से चले जाना। इसकी माँ के पुट्टे मारूं, जीना हराम कर दिए, खाना खाने भी नहीं देते मेरे को।